दोस्तों ये जो गिटार है आप देख रहे हो इसका स्ट्रिंग टूट गया। अगर आपने भी नया गिटार लिया या फिर आपको पता नहीं है कि स्ट्रिंग कैसे किस तरीके से चेंज किया जाता है, तो इस गिटार का जो स्ट्रिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग वो टूट चुका है, ठीक है। तो इसे हम चेंज किस तरीके से करेंगे वो चीज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी स्ट्रिंग टूटा वो स्ट्रिंग आपको कहीं से भी ले लेना है, ऑनलाइन खरीद सकते हो अगर आपके आसपास दुकान नहीं है, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रिंग आपका टूटा हुआ है वो स्ट्रिंग आपको ले लेना है। जैसे यहाँ पर हमारा ई टूटा हुआ है तो ई स्ट्रिंग मैं लूंगा, ठीक है। अगर आपका बी जी डी ए ई इनमें से कोई भी टूटा है वही स्ट्रिंग आपको लेना है, पूरा सेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसे चेंज किस तरीके से करना है वो चीज मैं अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो टूटा हुआ स्ट्रिंग है ये आपको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। अब इसे यहाँ पर आप निकाल लेना, अगर हाथ से निकल जाते तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो आप ग्लास वगैरह का यूज कर सकते हो, या फिर आपके घर में कांटे का चम्मच होगा उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसे हम चेंज किस तरीके से करेंगे वो चीज अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो आपका पिन है ये वाला, इसे आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये पिन आपको निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे भी जो आपका वायर था उसे निकाल के आपको अच्छे से इसे मोड़ लेना है और इसे आपको डस्टबिन में फेंक देना है, ठीक है। अब डस्टबिन में फेंकने के बाद दोस्तों आगे के साइड जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो तार अगर आपका लगा हुआ है तो इसे भी आप निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर रहेगा तो फंसने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इसे भी निकाल लेना है, ये तार हमने निकाल लिया। अब आपका जो नया स्ट्रिंग है दोस्तों वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग जो है दोस्तों ये वाला है, तो इसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आप फर्स्ट स्ट्रिंग लोगे उसे आपको निकाल लेना है और यहाँ पर जो है इसे प्लास्टिक को भी फेंक देना है। अब ये जो स्ट्रिंग है दोस्तों इसे आपको पूरा खोल लेना है, ठीक है। यहाँ से हमने इसे पूरा खोल लिया, अब इसे क्या करना है, अब इसे दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आप इसे इसको इसमें डाल देना जैसे आपने उस स्ट्रिंग का निकाला था, और ये जो पिन आपने निकाला था दोस्तों, ये वाला जो पिन आपने निकाला था ये भी आपको इसी में डाल देना है, ठीक है। इसमें आप जैसे ही डालोगे उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो है आपको ऊपर में इसका जो फ्रंट है दोस्तों, इसका जो फ्रंट है आपको इसमें डाल देना है, ठीक है। आप जैसे इसमें डाल दोगे तो इसमें डालने के बाद ये जो है आपको इसे थोड़ा सा ऊपर करके रखना है, और बाकी इसे आपको इसके अकॉर्डिंग जिस टाइप से ये मुड़ा हुआ है सारे स्ट्रिंग उसी टाइप से आपको मोड़ देना है, ठीक है। अगर आपके पास वाइंडर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हाथ से भी इसे कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर इसे मोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा मोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा सेट हो चुका है। अब जो ये आपका फ्रंट का जो वायर थोड़ा सा बचा हुआ है इसे आप काट दीजिएगा दोस्तों, वरना फिर इससे जो है आपका जो हाथ वगैरह उस पर चुभने का डर होगा। तो इसे हम कट कर देते हैं ना, तो ये हमने कट कर दिया और इसे आपको थोड़ा सा फेंक देना है, एंड इसे थोड़ा सा आप इसे मोड़ देना ताकि जो है यहाँ पर ये वायर जो है कभी आपको लगे ना हाथ में। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको जो है अपना स्ट्रिंग चेंज कर लेना है। होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। तो आज के वीडियो के लिए बस टाइम मिलता है, जय हिंद जय भारत।